हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ यूजर्स आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से यूएसबी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव को कनेक्ट करके आपके डेटा को उन ड्राइव्स पे कॉपी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये डेटा बहुत सेंसिटिव हो और सिक्योरिटी की वजह से आप नहीं चाहते कि दूसरे यूजर्स इसे किसी एक्सटर्नल ड्राइव पे कॉपी कर सकें। ऑफिस एनवायरमेंट में ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स इस तरह की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ऑफिस या घर में रखे हुए कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के डेटा को यूजर्स यूएसबी पेन ड्राइव या किसी एक्सटर्नल ड्राइव या डिवाइस में कॉपी न कर सकें। ये कैसे होगा, इसके लिए चलिए सीखते हैं कि हम विंडोज 10 में यूएसबी पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव के एक्सेस को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इसी एक्टिविटी को विंडोज 7 में या विंडोज 8 या विंडोज 8.1 में देखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सीखना चाहते हैं कि विंडोज 7 या विंडोज 8 या 8.1 पर यूएसबी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव के एक्सेस को कैसे डिनाई किया जा सकता है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अपने विंडोज 10 वाले सिस्टम के ऊपर जाकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। देखिए, मैं उस सिस्टम पर हूँ जिसके ऊपर विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है। यहाँ से मैं इस टास्क बार पे दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ। ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपके सामने सी ड्राइव, डी ड्राइव और एक यूएसबी पेन ड्राइव जो कि 16 GB की है, ई ड्राइव आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसके अंदर रखा हुआ डेटा आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इस यूएसबी पेन ड्राइव में आप किसी भी डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे रखे हुए इस फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, देखिए ये फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो गया है। इसी तरीके से अगर आप इस यूएसबी पेन ड्राइव से किसी भी फाइल या फोल्डर को इस विंडोज 10 सिस्टम के ऊपर कॉपी करेंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप विंडोज 10 में ग्रुप पॉलिसी एडिटर को यूज कर सकते हैं। लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर को ओपन करने के लिए यहाँ पे सर्च में टाइप कीजिए एक कमांड gpedit.msc। इसे टाइप करने के बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ, जिससे कि विंडोज 10 का लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं यूजर्स कॉन्फ़िगरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को इस एरो साइन को क्लिक करके एक्सपेंड करता हूँ। इसके बाद यहाँ से सिस्टम को डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस पे क्लिक करता हूँ। ऐसा करने के बाद आपके सामने रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस से रिलेटेड ग्रुप पॉलिसीज अपीयर होंगी, जिनमें से दो पॉलिसीज हैं, रिमूवेबल डिस्क डिनाई रीड एक्सेस और रिमूवेबल डिस्क डिनाई राइट एक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके यूजर्स यूएसबी पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या फिर रिमूवेबल डिस्क के ऊपर रखे हुए डेटा को सिर्फ रीड कर पाए लेकिन राइट ना कर पाए, तो आप यहां से इस पॉलिसी यानी कि डिनाई राइट एक्सेस पे क्लिक करके इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रिमूवेबल डिस्क जैसे कि यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे रीड और राइट दोनों का एक्सेस डिनाई हो जाए, तो आप यहां से रिमूवेबल डिस्क डिनाई रीड एक्सेस पे क्लिक करके इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम फॉर टेस्टिंग पर्पसेस रिमूवेबल डिस्क का रीड राइट एक्सेस दोनों डिनाई कर देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से रिमूवेबल डिस्क डिनाई रीड एक्सेस ग्रुप पॉलिसी पे डबल क्लिक करता हूँ और इसके बाद इसे एनेबल करने के लिए यहाँ से एनेबल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। एनेबल्ड रेडियो बटन को क्लिक करने के बाद पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए अप्लाई या फिर सिंपली ओके बटन को प्रेस करके भी इसे अप्लाई किया जा सकता है, जिससे कि पॉलिसी का पॉपअप पेज अपने आप से बंद हो जाएगा। चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ और अपनी यूएसबी पेन ड्राइव को डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मैसेज आया है कि एक्सेस इज डिनाइड। इसका मतलब जो ग्रुप पॉलिसी हमने अभी अभी अप्लाई की वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इस पॉलिसी को हटाने के लिए आप दोबारा से लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर में जाइए, gpedit.msc कमांड को टाइप करके उसके बाद यूजर कॉन्फ़िगरेशंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में, उसके बाद सिस्टम में रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस पे क्लिक करने के बाद रिमूवेबल डिस्क डिनाई रीड एक्सेस ग्रुप पॉलिसी को डबल क्लिक कीजिए और पॉलिसी जो इस समय एनेबल्ड है
इसे आप डिसेबल्ड या नॉट कॉन्फिगर्ड पे सेट कर सकते हैं। इसे सेट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से वेरीफाई कीजिए इसकी स्टेट नॉट कॉन्फिगर्ड और फिर यहाँ से दिस पीसी पे क्लिक कीजिए, अगेन पेन ड्राइव पे डबल क्लिक कीजिए तो देखिए इस बार आप इसके ऊपर रखे हुए डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। क्वेश्चन टाइम, चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर को ओपन करने के लिए सर्च में किस कमांड को टाइप किया था। आपकी ऑप्शंस हैं ए gpedit.msc या फिर बी syspol.msc। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 10 में यूएसबी पेन ड्राइव या फिर यूएसबी एक्सटर्नल ड्राइव के एक्सेस को कैसे डिनाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।